प्यारे छात्रों एवं प्यारे देशवासियों, आज का हमारा विषय है अधिक तथा सदिश राशियां। भौतिक विज्ञान में अधिक तथा सदिश राशियों का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा है नाम से स्पष्ट है कि अधिश, अधिश का मतलब क्या होता है? जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो। क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बट नॉट डायरेक्शन, यानी वे राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधिक राशियां कहते हैं। अधिक राशियों के उदाहरण में मुख अगर हम देखें तो द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, विद्युत आवेश, दाब, घनत्व, आयतन आदि अनेक राशियां हैं। ये राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अक्सर इस तरह समझाता हूं इसको कि जैसे आप किसी मिठाई की दुकान पे गए और आप वहां खड़े, आप दुकान वाले से कह रहे हैं कि रसगुल्ला, काला वाला रसगुल्ला दे, तो आप खड़े हैं लेकिन क्या वो रसगुल्ला देगा? कभी नहीं देगा वो। आप खड़े रह जाए। इसका तरीका ये है कि आप उससे कहें कि हे भाई, एक किलो रसगुल्ला, ये है तरीका। तो इस उसमें हम एक किलो जो बताते हैं, या हम कभी अन्य राशियों में ये कहें कि जैसे किसी को हम बताएं कि वो बड़ा मोटा, या मैं अक्सर मेरे घर मुँह से निकलता है नाम राधे रमैया, बड़ा मोटा। तो राधे रमैया बड़ा मोटा से आप कतई नहीं बता पाएंगे कितना मोटा है, जब तक हम ये ना कहें कि राधे रमैया का द्रव्यमान 90 किलोग्राम है। अब इसमें इस राशि में द्रव्यमान एक प्रकार की क्या है? राशि है। द्रव्यमान एक राशि है। किसी दूरी को हमें बताना हो कि परियावा से आलापुर की दूरी 3 किलोमीटर है, तो द्रव्यमान और दूरी जैसी राशियां इनमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है, केवल परिमाण की आवश्यकता। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? अधिक राशियां कहते हैं। दूसरी तरफ सदिश राशियों की अगर हम बात करें तो वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। यानी क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ विल बी कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण देखें तो उनके उदाहरण में हमारे पास विस्थापन है, वेग है, बल है, संवेग है, आवेग है, बल आघूर्ण है, आदि ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियों का अब अगली जो चीज आती है अधिश और सदिश राशियों का, इनका गुणनफल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है इनका गुणनफल। यानी सदिश राशियों का गुणनफल, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ये दो प्रकार का होता है। पहला जिसे हम कहते हैं अधिश गुणन या डॉट गुणन या स्केलर गुणन। स्केलर गुणन यानी इस तरह के गुणन को हम इन तीनों नाम से पुकार सकते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी, दो वेक्टर हमारे पास ए व बी, वेक्टर के ऊपर तीर लगा के वेक्टर के रूप में किसी भी वेक्टर को उसके ऊपर तीर लगा देते हैं, या किसी भी राशि को उसके ऊपर तीर लगा के हम वेक्टर के रूप में शो करते हैं। एक और बात जरूरी है, वो यहाँ पे यूनिट वेक्टर अगर हम निकालें तो इसको एन कैप से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर ए अपान मार्ट ए के बराबर होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण फार्मूला है जो जगह जगह प्रयोग होता है।
तो हमारा जो अदिश गुणन या डॉट गुणन है, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर ए और बी है, तो इन वेक्टरों के बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल अगर थीटा बन रहा हो, तो इनका डॉट गुणन हम लिखते हैं ए डॉट बी बराबर होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। इससे हमें ये पता चलता है कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणन या डॉट गुणन या अदिश गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के गुणनफल के कोज्या के गुणन के बराबर होता है। अब इसके वेक्टर गुणन की प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास कुछ गुण होते हैं। अगर यदि आई जे व के तीन लंब कोणीय वेक्टर हों, लंब कोणीय या अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर हों तो आई डॉट आई बराबर वन, जे डॉट जे बराबर वन और के डॉट के बराबर वन होता है, क्योंकि एक के बीच में कोण जो है जीरो होता है और कॉस जीरो का मान हमारा वन होता है, कॉस जीरो का मान हमारा वन होता है। तो इससे हम इन प्रॉपर्टी से ये प्राप्त कर सकते हैं, तो आई डॉट आई बराबर वन, जे डॉट जे बराबर वन, के डॉट के बराबर वन। और अगर हम आई डॉट जे करें बराबर जे डॉट के, जे के बराबर के डॉट आई बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो विपरीत वेक्टरों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। अब अगर हम स्केलर या डॉट गुणन के उदाहरण देखें, तो उदाहरणों में हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कार। कार भी क्या है, एक प्रकार की महत्वपूर्ण अदिश राशि है। इसे W से व्यक्त करते हैं, W बराबर हमारा होता है F डॉट D। W बराबर क्या होता है, F डॉट D। और अगर F और D के बीच में एंगल थीटा हो तो हमारा फार्मूला आ जाता है W बराबर F डॉट D cos थीटा, F डॉट D cos थीटा। इसके अलावा अगर हम पावर का सूत्र देखें, पावर शक्ति बराबर F डॉट V होता है, यानी P बराबर F डॉट V। एक और अगर हम देखें वैद्युत फ्लक्स, तो E डॉट ds होता है। ये महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट को शो करते हैं। अब दूसरा जो गुणनफल होता है, दूसरे प्रकार का जो गुणा होता है, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल या सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल भी एक वेक्टर होता है। अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हो तो उसे हम ए क्रॉस बी द्वारा दिखाते हैं, ए क्रॉस बी द्वारा दिखाते हैं। और ए क्रॉस बी बराबर होता है हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हो तो उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उनके गुणनफल के परिणाम के साइन थीटा के गुणनफल के उसको हम एन कैप से गुणा करते उसके गुणनफल के बराबर होता है, जहां एन कैप अभी हमने पीछे आपको बताया है कि एन कैप एक प्रकार की क्या है, यूनिट वेक्टर है, या इसे एकांक सदिश या एकक सदिश या अंग्रेजी में यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो होता है, हमारा पीछे भी बताया था कि वेक्टर ए और मार्ट ए के बराबर होता है। मार्ट ए हमारा अगर एक्स वाई और जेड, हमारे पास एक्स आई वाई जे जेड के नाम के तीन वेक्टर हो, आर के बराबर हो, तो मार्ट ए निकालने के लिए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं।
तो हमारा जो वेक्टर होता है, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल, इसके भी बहुत सारे उदाहरण है। जैसे एक हमारा होता है टाओ बराबर आर क्रॉस एफ, एक और उदाहरण टाओ बराबर आर क्रॉस पी होता है, और सदिश राशि भी एक प्रकार के सदिश गुणन का ही उदाहरण है। ये जहाँ पे टाओ हमारा क्या होता है, बलाघूर्ण होता है, बल आघूर्ण बराबर हमारा क्या होता है, बल गुणे बल की क्रियात्मक रेखाओं के बीच की दूरी, या क्रियात्मक रेखाओं के बीच की दूरी गुणे बल, या क्रियात्मक रेखाओं के बीच की दूरी गुणे संवेग के बराबर होता है, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अब आइए इन दोनों पर हम कुछ गणितीय सवाल महत्वपूर्ण करते हैं। आपके स्क्रीन पे ये पहला न्यूमेरिकल है, एक बल F बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन, किसी कण को 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप मीटर तक विस्थापित करता है, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कार्य बराबर कार्य W बराबर क्या होता है, F डॉट d। F की वैल्यू हमारी क्या है, 3i प्लस 2j प्लस 4k और डॉट 5i प्लस 3j प्लस 2j। अभी हमने जो स्केलर प्रॉपर्टी बताई है उसके हिसाब से i डॉट i बराबर k डॉट j बराबर k डॉट k बराबर 1 और i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i बराबर ये सब 0 हो जाए। कहने का मतलब सिर्फ हम स्वतः जो गुणनफल है, सिर्फ प्रोडक्ट i और i का, j और j का, के और के का करेंगे, अन्य चीजें अपने आप जीरो हो जाएंगे। बात को आप ध्यान से समझिए और अपने आप इसको हम कर सकते हैं। जैसे हम 3 और 5 का गुणा करेंगे, 3 into 5 i dot i plus 2 into 3 j dot j plus 4 into 2 k dot k, अन्य चीजें अपने आप जीरो हो जाएंगी। 3 × 15 और i dot i का 1 और ये 2 × 6 j dot j का 1 न्यूटन में और विस्थापन मीटर में दिया है, तो हम इस राशि को भी जूल में ले सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा आपके स्क्रीन पर, बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, यदि r बराबर इतना है आपका, p बराबर इतना है। तो आप लोग एक बात और ध्यान देना है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हो और उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, तो एक राशि को हम हमेशा इस तरह से लिख सकते हैं, i j k ax ay az bx by बीज, ये भी एक विशेष फार्मूला होता है। इसी का प्रयोग करते हुए हम यहाँ लिख सकते हैं टाओ बराबर आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी के लिए हम फिर वही काम करेंगे, आई जे पी। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, -6 है, -2 है। पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है और 2 है और -2 है। ये सब कोफिशिएंट है, आई जे के और आई जे और के कोफिशिएंट है, और ये फॉर्म हमारा मैथमेटिकल डिटरमिनेंट फॉर्म कहलाता है, जो कि आप इंटर के मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब उसका तरीका क्या, हमारे पास आई लेते हैं, और ये बहुत बेस्ट तरीका, आप लोग समझिए कि ये और ये लाइन इसकी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। हमेशा हमारे पास, मैं हाथ बंद करके बताता हूँ छात्रों को, एक परपेंडिकुलर लाइन बन हो जाएगी, केवल चार अक्षर आपको दिखाई पड़ेंगे, 6, 2, 2 और -2। तो आई जब हम लेंगे तो -6 और -2 का हमारा जो गुणा होगा ये होगा 12। अब बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, 2 × 4 माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा। अगली संख्या हम लेते हैं -j, -j के लिए हमारे पास ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 3 × -2 यानी -6, फिर बीच में माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस, 2 × 2। अब फिर तीसरी चीज हमारी क्या होती है, के के साथ ये पूरी लाइन जाएगी और ये पूरी लाइन जाएगी, 3 × 2 हमारा 6 और प्लस 6 × 6, तो 12 × 4 16i कैप माइनस j
का माइनस 4 से गुणा हुआ और ये 6 12 के हमारा उत्तर आया 16 आई कैप और ये प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप, ये हमारा बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण अब इसमें कोई यूनिट नहीं थी इसलिए हमें यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ इकाई लिख सकते हैं, इतना इकाई लिख सकते हैं। यानी छात्रों तीसरी प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर यह है, यदि E बराबर 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है y तल में जिसका क्षेत्रफल 20 इकाई है, तो इसके लिए हमें फाई ई की गणना करनी है। फाई ई बराबर हमारा होता है ई डॉट डी एस, ई बराबर हमारा है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और वाई जेड तल में जो हमारा क्षेत्रफल है के बराबर 20i कैप, इसको लिख देंगे डॉट 20i। अब स्पष्ट है कि अन्य चीजें जो है अन्य चीजें जीरो हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर जीरो होता है, तो सिर्फ i डॉट i का गुणा होगा 6 × 20 i डॉट i, 20 छक्का 120 i डॉट i का वर्ग, तो 120 ये हो जाएगा, इसका मान हमारा क्या हो जाएगा 120। और दूसरा सवाल हमारे पास जो चौथा सवाल है, यदि वेक्टर a प्लस b का ये मॉडुलस बराबर वेक्टर a माइनस b का मॉडुलस, तो आपको सिद्ध क्या करना है a और b परस्पर लंबवत। इस तरह के सवालों में सबसे पहले हम ये लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस b, हम उसके बाद वेक्टरों का सतह गुणन करते हैं दोनों पक्षों में स्वतः अदिश गुणन कर दे, यानी a प्लस बी का हम इधर स्क्वायर कर देते हैं, a माइनस बी का इधर स्क्वायर कर देते हैं, या हम ये ना लिखे तो ये भी लिख सकते हैं वर्ग करने पर। अब इसी चीज को हम इस तरह से लिखते हैं कि a प्लस बी डॉट वेक्टर a प्लस बी बराबर वेक्टर a माइनस बी डॉट वेक्टर a माइनस बी। अब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए a डॉट a हमारा a और a का गुणा a डॉट a, b और b का गुणा b डॉट a बी ए, और फिर ए और बी का गुणा ए डॉट बी, अब बी और बी का गुणा बी डॉट बी, और इसका ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट की हमारी प्रॉपर्टी होती है, एक और प्रॉपर्टी होती है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये एक प्रॉपर्टी का भी हम यूज कर सकते हैं, इससे हमारा क्या होगा a और a का गुणा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या हमारा a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो। अब ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दो ए बी और दो ए बी कितना हुआ फोर ए बी, फोर ए बी बराबर जीरो, तो ए बी बराबर हमारा ए डॉट बी बराबर जीरो। और ए डॉट बी बराबर जीरो सिद्ध करता है कि वेक्टर ए और बी परस्पर लंबवत हैं, क्योंकि लंबवत होने की यही प्रॉपर्टी है।